If 3x plus 2y equal to 12 and xy equal to 6, find the value of 27x cube plus 8y cube. तो हम देख रहे हैं कि एक टर्म का ये q है दोनों, तो कुछ a plus b के होल q, उससे हम सोल्व करने का इसका कोशिश कर सकते हैं. तो 3x plus 2y अगर दोनों साइड हम होल क्यूब करें तो क्या हो गया, this equal to this much, right? And 12 के होल क्यूब कितना हो गया, 1728. अगले टर्म साइड का a प्लस बी के होल क्यूब पर हम इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इसको एक्सपेंड करने में. 3x क्यूब कितना हो गया, 27x क्यूब ए क्यूब प्लस 2y के होल क्यूब ये हो गया 8y क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू 1728 हो गया. इसमें और हम जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे, 8y क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18xy हो गया. एंड 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया, 12, ये वाले दिया हुआ 12, तो इतना इंटू क्या हो गया, इंटू 12 इक्वल टू 1728. xy के जगह पर भी हम जो वैल्यू दिया हुआ 6 उसको भी बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18 इंटू 6 इंटू 12 इक्वल टू 1728 ये आ गया. इक्वल टू और क्या हो, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब इक्वल टू 1728 और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1296. इतना इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करने पे 1296 आएगा इसका, और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. इक्वल टू हो गए 1728 में 1296 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये वैल्यू इक्वेलेंट टू 432. तो 432 इज द आंसर ऑफ 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, ये हो गया आपका आंसर.